بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ख्वाब में मछली का देखना कैसा। जानने से पहले मैं अर्ज़ करूंगा, जो द मैसेज चैनल पर न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मछली गर्म दरिया में देखना बला और सख्ती है और सर्द दरिया में देखना फरहत और खुशी है, और अगर बहुत सी ताज़ा और बड़ी मछली देखी तो माल गनीमत पर दलील है, अगर छोटी देखे तो गम व अंदोह पाएगा, और अगर मछली के पेट के दरमियान से मरवरीद पाए दलील है कि इसके हाँ लड़का पैदा होगा। हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया कि अगर देखे कि इसको किसी ने खुश्क या शोर मछली दी है, इसकी दलील है कि इसको किसी रईस बादशाह से नुकसान पहुँचेगा, और अगर शोर मछली खाए दलील है कि ग़ुलाम इसको नुकसान पहुँचाएगा। और बाद ने बयान किया है कि शोर मछली भुनी हुई ताबील में सफ़र है, जो तलबे इल्म या किसी की सोहबत के लिए होगा, और छोटी मछली का खाना झगड़ा है, और अगर देखे कि कोई चीज़ मछली के जिस्म से जैसे खून या हड्डी या और कुछ जो मछली के पेट में होता है पाया है, दलील है कि इसे कदरे माल और खैर बरकत होगी या ग़ुलाम ख़रीदेगा, और अगर देखे कि इसने दरिया में बड़ी मछली को पकड़ा है, दलील है कि किसी की अहल से औरत नहायत मालदार करेगा। हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ख्वाब में मछली ताज़ा और भुनी हुई माल और नेमत है। आज का ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।